हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहां पे जो दिग्गज ब्रोकरेजेस रहते हैं। आप सभी लोगों को पता है मार्केट में बहुत सारे अनगिनत ब्रोकरेजेस हैं और वो हमेशा अपनी कुछ राय देते हैं, प्रति कुछ स्टॉक सिलेक्ट करते, उनके वो बाइंग प्राइस बताते हैं, टारगेट्स बताते हैं, और वही हम लोग को यहाँ पे देखना है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर ऐसे वीडियो बनाते रहना कि जो बड़े दिग्गज लोग रहते हैं उनकी जो कमेंट्री रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो हम लोग चाहे तो ज़रूर उनको फॉलो कर सकते या फिर इग्नोर भी कर सकते, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे ही यहाँ पे 15 स्टॉक्स, लगभग 15 स्टॉक्स के आसपास यहाँ पे दिग्गज ब्रोकरेजेस हाउस ने आपके लिए यहाँ पे बताया कि कौन से स्टॉक्स आप चाहो तो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, अच्छा नहीं लगे तो उसको उधर ही इग्नोर कर सकते हो। बट कौन से 15 स्टॉक्स है जहाँ पे इतने बड़े दिग्गज ब्रोकरिंग हाउस यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट कर रहे, बता रहे, तो उनके ऊपर ध्यान तो ज़रूर होना चाहिए। उसी के साथ साथ साइडवेज में मैं भी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से स्टॉक्स में आप चाहो तो सावध रह सकते हो, वहाँ पर रिस्की वो पैटर्न हो सकता है, या फिर कौन से स्टॉक में आप लोग ज़रूर उनको फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, SMKC चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर हर रोज़ मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। एक लेटेस्ट वीडियो आप लोग देख लेना, रिस्की पोर्टफोलियो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था, उसका भी रिटर्न देख लेना। आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करता है, कि अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो शेयर्स मुझे पसंद भी नहीं थे वो भी मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उनको अच्छा खासा रिटर्न्स में तब्दील कर दिया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहला कोई स्टॉक यहाँ पे बताया गया, तो अभी अभी जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, L&T इन्फोटेक। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही गजब की कंपनी LTI जिसको हम लोग कहते हैं। नीचे नाम भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। अगर हम लोग बात करें तो कौन से ब्रोकर ने इससे रिलेटेड बातें कही है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो मोतीलाल ओसवाल बहुत ही एक रेप्यूटेड ब्रोकर है। मैं वापस कह रहा हूँ, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, तो यही बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप बाय करके भी यहाँ पे चल सकते हैं, और जो टारगेट है लगभग 2646 का यहाँ पे हो सकता है। मतलब अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो लगभग 15% के आसपास हम लोग को ये रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। वापस बता रहा हूँ, L&T इन्फोटेक मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि आप बाय करके चल सकते हो, 17% के आसपास आपको ये रिटर्न मिल सकता है। ये भी कहना चाहूँगा, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो या फिर अनफॉलो भी कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वापस एक L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये अलग एक स्टॉक है। L&T इन्फोटेक अलग है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये दूसरा स्टॉक है। एंड ये किसने आपको रिकमेंड किया है तो आप लोग ये नीचे पढ़ सकते हो, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये रिकमेंड किया आप लोगों को शेर खान। आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा शेर खान ने। टारगेट जो दिया है लगभग 1600 तक ये स्टॉक यहाँ पे जा सकता है। फिलहाल 1400 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। रिटर्न 14% के आसपास आपको यहाँ पे कमाने का मौका मिल सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं, ये सही भी जाते हैं, ये लोग गलत भी जाते हैं। तो मेन मकसद ये है कि आप लोगों ने इनके बारे में स्टडी ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं, देख लेना चाहिए कि कौन सा ये सही जाता है, कौन सा ब्रोकर नहीं गलत जाता है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे मैं भी हमेशा ऐसे ही करता था जब शुरुआत में मैं आया था मार्केट में, कि स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाता था, कि स्टॉक का नाम लिखता था, कौन से ब्रोकर ने क्या बताया उससे रिलेटेड, उन्होंने बाय करने के लिए बोला या सेल करने के लिए बोला, एंड टारगेट उन्होंने बताया वो, और यहाँ पे मैं चेक करता था कि कौन सा ब्रोकर यहाँ पे सही जा रहा है। एंड उसके बाद फर्दर मैं आगे जाके उन्हीं के कुछ रिकमेंडेशन रहते थे उनके ऊपर मैं फोकस रखता था, तो समझ में आता था, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती थी। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही देखना है। बहुत सारे लोग यूजुअली क्या करते, सीधा मना कर देते, अरे नहीं ब्रोकर्स मतलब हम लोग को फंसाएंगे ही। तो इसलिए मैंने कहा है आप लोगों को ऐसा फंसाना विसाना बात नहीं होती, आप लोगों ने सीखना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एंड वो आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है, IT सेक्टर से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी सैंड। आप सभी लोगों को पता है ब्रोकरेज की बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने बात की है, बाय करके चल सकते हैं आप लोग यहाँ पे। टारगेट की बात करें तो लगभग 330 तक ये स्टॉक जा सकता है, मतलब लगभग 11% के आसपास। यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा 11% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे कि उनको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। सो ज़रूर ICICI सिक्योरिटीज़ का भी नाम आप अपने लिस्ट में शामिल कर लेना, स्टॉक का नाम लिख लेना, एंड उन्होंने जो बताया क्या वैसे फुलफिल होता भी है या नहीं उसके ऊपर आप लोग ज़रूर फोकस रख सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसका नाम आपके सामने यहाँ पे आ चुका है जो कि है इन्फोसिस। यस दोस्तों, ये इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस को किसने रिकमेंड किया है तो आप देख सकते हैं, MK ने यहाँ पे रिकमेंड किया है इन्फोसिस को, एंड इनका टारगेट 1000 तक का यहाँ पे बताया हुआ है। सो L&T इन्फोटेक की अगर मैं बात करूँ, जो पहला स्टॉक था
मोतीलाल ओसवाल ने जो कहा था वो तो वैसे भी मैं कह सकता हूँ कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसी के साथ साथ इन्फोसिस, ये भी कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि 1000 तक ज़रूर जा सकता है, वक्त लग सकता है ये भी आप लोगों को पता है, एंड लगभग आप 7% के आसपास के रिटर्न यहाँ पर कमा पाओगे। सो इन्फोसिस यहाँ पर बता रहे एम के कि 1000 तक यहाँ पर जा सकता है और अच्छे रिटर्न आप लोग यहाँ पर कमा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिसका नाम है फेडरल बैंक। आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि फेडरल बैंक मेरा पर्सनली अभी फिलहाल जिस टाइप के रिजल्ट है इसीलिए मेरा फेवरेट है। बहुत सारे लोग इसको इसीलिए चुनते हैं क्योंकि ये 50 रुपये के आसपास मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वाकई इन्होंने रिजल्ट भी अच्छे पेश किए, एंड आनंद राठी ने कहा है कि इसको आप बाय करके चल सकते हो। इनके टारगेट 58 का बताए, मुझे लगता है ये 58 से भी आगे ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा जिस टाइप के रिजल्ट है। कंडीशन है कि मार्केट स्टेबल रहना चाहिए, मार्केट में अगर उतल पुतल हो जाती है तो आप लोगों को पता है कि अच्छे अच्छे रिजल्ट में भी गिरावट आ जाती है। लगभग 8% के आसपास आप लोग यहाँ पे ज़रूर कमा सकते हो। फेडरल बैंक मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था, तभी ये 50 to 51 रुपीज़ के आसपास था, आज लगभग वो 57 के आसपास जा चुका है। सो ये कंपनी आप देख सकते हो आनंद राठी ने यहाँ पे रिकमेंड किया है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। उसके बाद ट्रैक्टर बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी VST टिल्लर ट्रैक्टर, ICICI डायरेक्ट ने इसको रिकमेंड किया, बाय करके आप चल सकते हो। अगर टारगेट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया लगभग 1700 तक के टारगेट आप लोग यहाँ पे अचीव कर पाओगे, 18% का रिटर्न मिल सकेगा। बट हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ट्रैक्टर का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, चाहे हम लोग बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, आयशर मोटर्स के भी ट्रैक्टर की जो बिक्री है वो बहुत ही शानदार आ चुकी है। उसी के साथ साथ एस्कॉर्ट तो बहुत ही धूम मचा रहे हैं। सो VST टिल्लर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, बट उसके बावजूद आप लोगों ने थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। ट्रैक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली एस्कॉर्ट को आप लोग ज़्यादा फोकस में रखोगे तो एक ज़्यादा बेहतर वहाँ पर डील हो सकती है। बट स्टिल ICICI जो डायरेक्ट है उन्होंने इस स्टॉक को आपको रिकमेंड किया है, 1700 तक के टारगेट्स यहाँ पे बताए, जो कि 18% तक का रिटर्न आप लोग कमा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ, रियलिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ। ओबेरॉय रियलिटी कंपनी ख़राब नहीं है, बट फिलहाल रियलिटी सेक्टर बहुत प्रेशर में है, और ये मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया, आप लोगों को बाय करने के लिए कहा है। एंड टारगेट की बात करें तो 444 तक के टारगेट, मतलब लगभग 21 से 20% तक के रिटर्न्स आप लोग कमा सकते हैं, ये मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे आपको बताया है। वापस कह रहा हूँ, अगर आपको रियलिटी सेक्टर पसंद नहीं, जैसे मुझे पसंद नहीं है फिलहाल, तो इसीलिए मैं हमेशा इग्नोर करना ही पसंद करूँगा। इवन दो किसी ने भी यहाँ पे आपको रिकमेंड किया होगा तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो या फिर इग्नोर भी कर सकते हो। सो इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं IT सेक्टर की और एक बड़ी दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज, एंड यहाँ पे शेर खान ने इसको रिकमेंड किया, बोला है कि बाय करके चल सकते हो। टारगेट लगभग 750 तक टारगेट आप लोग देख सकते हो, मतलब 15% तक के आसपास आपको कमाने का यहाँ पे मौका है। सो HCL टेक्नोलॉजीज ये वैसे भी एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, दोनों इंडेक्स में आने वाली कंपनी है, तो वैसे भी ये लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी कंपनी है। आप लोग ज़रूर ऑलरेडी इसमें बने रहते होंगे तो आप लोग उन्हें भी कंटिन्यू कर सकते हो। सो HCL टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टॉक बहुत ही शानदार, कोई टेंशन की बात नहीं, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। बहुत ही ऑपरेटर ने इस स्टॉक के साथ खिलवाड़ करके रखा हुआ है, बट मैं यही कहूँगा मैं स्टेबल रहता हूँ हमेशा। इनके रिजल्ट मुझे बहुत 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 शानदार पसंद आए हैं, ये आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, ऑलरेडी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री प्रभुदास लीलाधर, आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़े ब्रोकरेजेस है, उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया, एंड टारगेट 4316 का टारगेट दिया, बहुत ह्यूज, बहुत ही मतलब बड़ा टारगेट यहाँ पे दिया है। 8% तक के रिटर्न आप लोग यहाँ पे कमा सकते हैं, यहाँ पे बताया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि एक Nifty 50 का स्टॉक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है आप लोग देख सकते हैं मिंडा कॉरपोरेशन, मिंडा इंडस्ट्री नहीं, मिंडा कॉरपोरेशन एंड मिंडा इंडस्ट्री अलग अलग है, कुछ लोग इसको मिक्स कर देते हैं इसलिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को। तो दौलत कैपिटल ब्रोकरेजेस ने ये बताया आप लोगों को बाय करके चल सकते हो। टारगेट 93 का है, 32% तक की अर्निंग आप लोग यहाँ पे कमा सकते हो। वापस कह रहा हूँ ये बार बार आप लोगों को कि ये मत सोच लेना कि इन लोगों ने बोल दिया मतलब हम लोग भी बाय करके चलेंगे, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज किन स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस रख रहे हैं, तो उसके ऊपर आप लोग ज़रूर एटलीस्ट स्टडी तो कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भारती एयरटेल, माफ़ कीजिएगा भारती इंफ्राटेल की यहाँ पे बात की जा रही है, एंड ये भी बताया दौलत कैपिटल ने बाय करने के लिए कहा है, एंड टारगेट बताया 220 का, 9% के रिटर्न्स आप लोग यहाँ पे कमा सकते हो। अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो भारती इंफ्राटेल ये थोड़ा सा रिस्की है ऐसा मुझे लगता है, ये भी हमारे इंडेक्स में ही आने वाला स्टॉक है। इनफैक्ट आप चाहो तो भारती एयरटेल के लिए एक बार सोच सकते हो, भारती इंफ्राटेल ये रिस्की हो सकता है, हालांकि ऑब्वियसली दौलत कैपिटल इतने बड़े ब्रोकरेजेस हैं तो वो सही जा सकते हैं, मैं गलत जा सकता हूँ, बट स्टिल जो मेरा कहना था वो भी मैंने आप लोगों को साइड में यहाँ पे बता दिया है। उसी के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे GTPL हैथवे, एंड ये रिकमेंड किया है ICICI डायरेक्ट ने, बाय करने के लिए कहा है। यहाँ पे जो टारगेट है लगभग 95 का बता दिए, 18% तक के रिटर्न्स आप लोग यहाँ पे
कमा सकते हो। सो इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोग चाहो तो नज़र रख सकते हो। सो दोस्तों आप देख सकते हो कितने सारे स्टॉक्स है यहाँ पे, बड़े बड़े दिग्गज ने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, HDFC बैंक, शेर खान ने यहाँ पे बताया बाय करके चल सकते हैं। इसका टारगेट लगभग 1400 तक का बताया, मतलब 23% के रिटर्न्स आप लोग कमा सकोगे। सो ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि 23% के रिटर्न एक दिन में होंगे या फिर एक हफ्ते में, इसके लिए ज़रूर जो होल्डिंग पीरियड होता है वो लंबा उन्होंने बताया होगा। सो ये भी आप लोगों ने उतना ही फॉलो करना चाहिए, सिर्फ नाम देख लिया, शेयर प्राइस देख लिया, टारगेट देख लिया तो ऐसा नहीं। आप लोगों ने ये भी देखना चाहिए कि उन लोगों ने ये भी कहा है कि इसको आप लोगों ने लंबी अवधि के लिए होल्ड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रोकरेजेस रहते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही तगड़ा शेयर पेट्रोनेट LNG, मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया है बाय करके चलने के लिए, कहा है टारगेट बताया 336 रुपीज़ तक एंड 26% के रिटर्न्स आप लोग कमा सकते हैं, 250 रुपये के आसपास ये स्टॉक आप लोगों को मिल जाएगा। सो वहाँ से 336 मतलब 26% के रिटर्न्स आप लोग कमा सकते हैं। पेट्रोनेट LNG वैसे भी ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं और एक बैंक की बात बताई जा रही है, फेडरल बैंक ऑलरेडी हो चुका था, HDFC हो चुका था, उसके बाद बंधन बैंक का नाम सामने आ रहा है एंड उसके बाद KR चौकसी, उन्होंने ये ब्रोकरेजेस ने कहा कि आप इसको बाय करके चल सकते हो। टारगेट की बात करें तो 431 का टारगेट है, 23% के रिटर्न्स आप लोग यहाँ पे कमा सकते हैं, ऐसा KR चौकसी ये ब्रोकरेजेस का कहना है। सो आप लोगों ने भी फर्दर स्टडी करना चाहिए, अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो ही इसमें रहना, वरना आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। सो कुल मिला के बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने कंपनीज़ को यहाँ पे ट्रैक किए और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने ये कंपनीज़ के नाम बताए, रिटर्न्स बताए, उसके नीचे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी दिया कि तो उनको ऐसा क्यों लगता है, तो वो भी आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। एंड इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आप लोगों को लिंक भी दे दिए इसी वेबसाइट की, मनी कंट्रोल के, ये आर्टिकल आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना चाहिए, ब्रोकरेजेस कहना का चाहते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को एक बताया कि एक एक्सेल शीट बना दो आप चाहो तो, ब्रोकरेजेस का नाम, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ स्टॉक, उनकी बाइंग प्राइस एंड उनके टारगेट एंड कौन से यहाँ पे टारगेट अचीव हुए, उन ब्रोकरेजेस को आप लोग चाहो तो फर्दर भी फॉलो कर सकोगे। ये एक प्रैक्टिकली एक चीज़ है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, यूजुअली नहीं करते, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देख चुका हूँ, मैं ये बताते रहता हूँ बातें, बट बहुत कम लोग हैं जो इसको इतना सीरियसली लेके काम करते हैं। एनीवेज ये आपके ऊपर है, ऑब्वियसली मैं आपके घर पर आके तो ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, बट आपके लिए ये आर्टिकल मैंने फाइंड किया है, लगभग 10 से 15 स्टॉक्स यहाँ पे बताए, अलग अलग ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे बताए हुए, वापस कह रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ये जो आर्टिकल था वो मैंने आपको पढ़ के दिखाया, बट यस इसको सीरियसली फॉलो करना है, मैं भी फॉलो करते रहता हूँ कि मेरा भी ध्यान रहता है कि कहाँ पर पे फोकस रहना चाहिए। एंड कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पे आप लोग सीरियसली सोच सकते हो, कुछ स्टॉक ऐसे जहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट फैसला हमेशा आप ही का रहेगा। सो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, चाहो तो आप लोग इसको शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर भी देख सकते हो, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।